उत्तराखंड में कांग्रेस ने बीजेपी के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर दीपावली का उत्सव मनाने को लेकर बीजेपी को घेरा है। दरअसल उत्तराखंड में बीजेपी श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक मौके पर 22 जनवरी को दीपावली का उत्सव मनाएगी। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के इस कार्यक्रम पर पलटवार करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, लेकिन बीजेपी राम के नाम पर भी राजनीति कर रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में बीजेपी 1 से 15 जनवरी के बीच अयोध्या से आए अक्षत कलशों को घर घर पहुंचाकर श्री राम मंदिर दर्शन का आमंत्रण पत्र देगी। इसके बाद 22 जनवरी को अपने आसपास के सभी मंदिरों में भजन कीर्तन का आयोजन करेंगी। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। राम जो है कोटि कोटि भारतवासियों के नहीं दुनिया वासियों के जो है हृदय में विराजते हैं, उनके लिए उनकी श्रद्धाएं जो है जन्मजात हैं और आज ही नहीं युगों युगों से ये श्रद्धा लोगों के दिलों में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पर भी राजनीति कर रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर दिव्य भव्य राम मंदिर बन रहा है, सरकारी पैसा उसमें लग रहा है, लेकिन भाजपा अपना पीठ थपथपाने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं बता रही है कि राम मंदिर के निर्माण में 22 जनवरी का दिन सभी सनातनी भाई बहनों के अंदर, पूरे विश्व के अंदर जो निवास करने वाले हैं, वो ऐतिहासिक दिन है। भगवान श्री राम की उस दिन वहाँ पर विराजमान होने वाले हैं, जिसमें मुख्य अतिथि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी रहने वाले हैं। उस दिन को दीपावली के रूप में पूरे सभी सनातन धर्मावलंबी और जिनके राम के प्रति आस्था है।